माननीय सांसद आदरणीय लालू बाबू के जब इसके पहले विस्तार हो रहा था तो उस समय भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी दो मंत्री का रखा था प्रस्ताव, उस समय हम लोग शामिल नहीं हो पाए। लेकिन फिर इसे अभी जो वर्तमान में विस्तार हुआ माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल का, तो उसमें एक ही दिया गया पद और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो श्री आरसीपी सिंह जी हैं उन पर छोड़ दिया। तो पार्टी का अंदरूनी मामला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र बाबू बन गए केंद्रीय मंत्री। मैं अपनी ओर से जिलावासियों की ओर से लखीसराय जिलावासियों की ओर से उन्हें बधाई भी देता हूँ और पार्टी का यह काम है वो चलते रहेगा, वो बड़े लोगों का काम है। हम लोग यहाँ छोटी इकाई में हैं, हम लोग इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं। लेकिन एक मायूसी तो होगी अगर बनते तो ज़्यादा बेहतर रहता क्षेत्र, वो तो क्षेत्र का विकास होता ना। अगर अगर ललन बाबू बन जाते केंद्र में मंत्री तो लखीसराय का विकास ऐसे भी उनके छत्र छाया में हुआ है, तो विकास का जो रफ्तार होता वो 100 के स्पीड से होता। और गिरिराज बाबू बन गए हैं मंत्री, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनसे भी ग्रामीण विकास और पंचायती राज दोनों विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनके आने से खासकर इस यह जिला लखीसराय और कहिए बिहार का विकास होगा। रोड के मामला में प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना जो चलता है केंद्र का, अगर गिरिराज बाबू का थोड़ा सा भी कृपा होगा बिहार उद्धार हो जाए।